फिर बाबा ने आज कहा तीर्थ स्थान मधुबन तीर्थ स्थान, मधुबन तीर्थ स्थान को याद करो तो पुण्य आत्मा बनेंगे। तो दुनिया वाले आपकी यादगार है, दुनिया वाले सब जगह तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, गंगा में स्नान करके आए पवित्र हो गए पावन हुए। क्या आप मधुबन जाके आए पावन हो गए? लोग भी पूछेंगे आपको, वो चार धाम की यात्रा करते हैं है ना पुण्य आत्मा बनने के लिए, पाप मिटेगा। आप भी कहते हैं हम भी मधुबन जाते हैं, मधुबन महान तीर्थ स्थान है। क्या आपको पूछेंगे कि आप पावन हुए? क्या बताएंगे? हाँ करते हो, लेकिन आपको क्या फायदा हुआ पूछेंगे ना वो, उनको आप पूछते हो उस यात्रा में जाके पावन नहीं हुए तो आप अगर श्रेष्ठ यात्रा है तो बाबा ने कि इसको स्मृति में लाने से भी तो आप पावन बन जाएंगे। कैसे? सोचने के, चिंतन करना है। हाँ मधुबन याद आते ही मधुबन में शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा ये बताते हैं बच्चों गुस्सा नहीं करना, दुख नहीं देना, या श्रीमत याद आता है ना। तो हमारे मन में किसी के प्रति गलत विचार थे वो अपने आप परिवर्तन होते हैं। मधुबन में कैसे योग करते हैं बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कैसे तपस्या किया, दादियों ने कैसे तपस्या किया, कैसे इतने बड़े हो गए, ब्रह्मा बाबा कर्मातीत कैसे बना, मुझे भी ऐसे तपस्या ज्ञान योग करना चाहिए है ना। ये स्मृति है। वहां गंगा नदी में गया स्नान करके आए, क्या हुआ? वो स्मृति है नहीं, दर्शन करके आए क्या हुआ? कुछ वहां जाने के बाद आपको कुछ प्रेरणा मिली, कुछ ज्ञान मिला नहीं। तो इन दोनों को बाबा ने आज श्रीमत के सुनाया।